सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप बाहरी कारणों को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर इससे आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो करते रहें जो आपको करते रहना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करते वक्त सिर्फ दो सोच रखनी चाहिए, अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो रास्ता मैं खुद बना लूंगा। सफलता खुशी का कारण नहीं है, बल्कि खुशी सफलता का कारण है। आज का पंचांग 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, सम 4:54 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:32 तक रहेगी। इसके उपरांत फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:31 से 2:08 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार, बहुत से अच्छे मौके आपके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौकों को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतः बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। अभी आप खुद को दूसरों से अलग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सोच समझ कर खर्च करें। धोखाधड़ी और झूठे वादों से बचें और सावधान रहें। अपने आशाजनक दृष्टिकोण दिखाते हैं, सपने आशाजनक दृष्टिकोण दिखाते हैं, इसलिए उन्हें लिखना लाभदायक हो सकता है। क्या आप निराश महसूस कर रहे हैं? अपने आप में दृढ़ विश्वास रखें और जल्दी आप सभी बाधाओं को दूर कर पाएंगे। लोग अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए लोगों पर विश्वास ना करें। धन खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन स्वयं हमें अपने खुद को चुनने का मौका देता है। आज किसी दीर्घकालीन लाभ की योजना पर कार्य शुरू हो सकता है। कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना उचित रहेगा, परंतु आप सब कुछ सुनियोजित तरीके से कर पाएंगे, सक्षम भी रहेंगे। घर में किसी मानसिक आयोजन की भी प्लानिंग होगी। आपको अपने आप काम और क्षमता दोनों का भी अंदाजा है, लेकिन आलस आप पर अधिक सवार होने की वजह से काम आप वक्त पर नहीं कर पाएंगे। परिवार के लोग भी आपको कुछ बातों के लिए गैर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिसके कारण आपसे संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे। फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को अपने काम से संबंधित अनुमति लेकर ही काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पार्टनर के बीच बढ़ता हुआ अहंकार रिलेशनशिप पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अधिक चिंता की वजह से बीपी संबंधी तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। साझेदारी में किया जा रहा काम लाभ दे सकता है। साझेदारी में नया काम करना चाहते हैं तो पुरुष के नाम से करें। सिर का दर्द भी रह सकता है, ध्यान रखें। पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी वालों के लिए सावधानी बरतने का समय है। अपनों का व्यवहार दुखी कर सकता है। गाड़ी अधिक तेज गति से बिल्कुल ना चलाएं। इष्ट मित्र से अच्छा सहयोग मिल सकता है। रुका हुआ खास काम फिर से शुरू हो सकता है। भागा दौड़ी अधिक रह सकती है। सावधानियां, ध्यान रखें कि आपके कुछ नजदीकी लोग भी बनते कार्यों में रुकावटें और अवरोध डाल सकते हैं। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। इस समय ज्यादा मौज मस्ती में ध्यान ना देकर अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन में कभी कभी तनाव की स्थिति रह सकती है। प्रेम संबंधों में भी दूरियां आएगी। आप भावुक और प्रेम से ओतप्रोत हैं। आप अपने साथी के साथ एक बहुत ही गहन संबंध अनुभव कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ का आनंद लें। आज के दिन
एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का दिन है। हर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसे कुछ समय देना पड़ता है ताकि वो सही तरीके से फले फूले। ऐसा ना करने पर वह बहुत जल्द ही खत्म हो सकता है। अपने मित्र और परिवार से भी मिलें क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। बात करते हैं, आप इस समय ड्रीम में जी रही हैं जहां रोमांस और यौन सुख आपकी प्राथमिकता है। अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए पहले अपने साथी को खुश करें और उनके दिल की बात भी सुनें। अपने साथी को खो देने के भी अपने साथी को खो देने के विचार को भी अपने मन से निकाल दें। आत्मनिर्भर होने और हर तरह की निराशा को दूर करने के लिए अब समय शुभ है। आज आप निराश हो सकते हैं लेकिन आपके जीवन साथी द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन शांत रहें और अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज ना करें। अपने प्यार के साथ समय बिताएं और हो सके तो उसके लिए कुछ खास करें। बात करते हैं करियर की। अभी आप डर को अपने मन से निकाल कर दिल खोल कर जीवन का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन धोखाधड़ी आपको उदास कर सकती है। दीर्घकालीन निवेश से आपको लाभ होने की संभावना है। परिवार में से किसी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर से मिलिए। आज आप निराश महसूस करेंगे लेकिन अपने विश्वास को कम ना होने दें। आप उन मुसीबतों का भी कुशलता से सामना करेंगे जो आपकी प्रगति को प्रभावित कर रही है। आज लोग अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे। आज धन मुख्य मुद्दा है। माना कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता लेकिन इससे जीवन आसान हो जाती है। सार्वभौमिक जय जयकार का माहौल आज आपके कार्यस्थल में रहेगा और आप जिस कार्य को करने में आमतौर पर नफरत करते हैं उसे आप आनंद के साथ करेंगे। आज आप अपने कार्य के लिए नए उत्साह एवं ऊर्जा पाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों से सक्रिय समर्थन की प्राप्ति होने की भी संभावना प्रबल है। आज अधूरे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल समय है और समय रहते आप इसे पूरा कर सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज आप अपने भीतर बहुत शक्ति महसूस करेंगे। निराशा की चुभावना आपके भीतर कुछ दिनों से भरी हुई थी। आप अपने अंदर आत्मविश्वास मानसिक शक्ति का अनुभव भी करेंगे और कोई भी काम शुरू करने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि अपने आत्मविश्वास की झोंक में अव्यवहारिक और असंभव कामों को हाथ में ना ले बैठें। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।